नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आम रिव्यू में। और आज हम लेके आए आपके लिए एक नया वीडियो और हम इसमें बताने वाले हैं आपको बेस्ट फोन्स अंडर 15,000 रुपीस। तो चलिए आम रिव्यू क्राइटेरिया से शुरू करते हैं। हमारा क्राइटेरिया है इनको सिलेक्शन का, रैम होनी चाहिए कम से कम 6 GB, रोम होनी चाहिए कम से कम 128 GB मिनिमम, गुड प्रोसेसर होना चाहिए, थोड़ा बहुत गेमिंग कर सके, फोन हैंग ना हो, कैमरा सेटअप जो होना चाहिए रेयर एंड फ्रंट कैमरा अच्छा होना चाहिए, रेयर में फालतू कैमरा नहीं होना चाहिए, फ्रंट कैमरा का प्लेसमेंट अच्छा होना चाहिए, ये एक क्राइटेरिया है। बैटरी एंड चार्जर, बैटरी अगर कम है 4500 तो चार्जर फास्ट होना चाहिए, अगर बैटरी 6000-7000 mAh है तो 15 W का चार्जर भी चलेगा। मेन पर्पज है 1-1.5 दिन बैटरी चलनी चाहिए आराम से। डिस्प्ले नेक्स्ट आता है, डिस्प्ले अच्छी होनी चाहिए, अमोलेड तो मजा आ जाएगा, फुल HD तो मिनिमम होनी चाहिए, फुल HD प्लस, और बाकी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास एंड ऑल प्रोटेक्शन भी देखेंगे। तो इस कैटेगरी में सबसे पहला फोन है Realme Narzo 30। हाँ जी, 13,499 का जब मैंने स्क्रीनशॉट लिया ये फ्लिपकार्ट पे। तो इसके स्पेक्स से शुरू करते हैं, रैम आती है आपको 4 GB 6 GB वर्जन, रोम आती है 64 128 GB वर्जन, मीडियाटेक हेलियो G95 प्रोसेसर आता है, अच्छा प्रोसेसर है, ट्राइड एंड टेस्टेड, 48 MP प्राइमरी कैमरा है, 2 MP के 2 फालतू कैमरे हैं, 16 MP का फ्रंट कैम है, एंड जो उसका सेटअप है वो पंच होल है, मतलब एक बिंदी की तरह दिखता है, 5000 mAh की बैटरी है, 30 W का चार्जर है, इसमें कोई इशू नहीं है, जो इशू था वो था कैमरा, एक ही कैमरा ढंग का है इसमें फोन में। आगे बात करते हैं डिस्प्ले की, डिस्प्ले है इसमें फुल HD+ LCD, 90Hz का रिफ्रेश रेट, अच्छी बात है, अमोलेड डिस्प्ले होती तो मजा आया था। अगला फोन इस कैटेगरी में जो भी लॉन्च होने वाला है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, Redmi 10 Prime, वर्जन इसमें आएंगे 4/64 या 6/128, रेट आप देख सकते हैं, अभी लॉन्च होने वाला है, MediaTek Helio G88 प्रोसेसर पहली बार लॉन्च हो रहा है इंडिया में, ये इसके स्पेसिफिकेशन है जो इस फोटो में दिखाई दे रहे हैं, 50 MP, 8 MP, 2/2 58 2/2 quad कैमरा सेटअप है, 2/2 के दो बेकार कैमरे हैं, ओनली दो ही कैमरा समझ लीजिए, 8 MP का एक फ्रंट कैमरा है जो कि थोड़ा सा कम है, पंच होल सेटअप है, बिंदी की तरह कैमरा दिखाई देगा जो कि बेस्ट सेटअप होता है आजकल के मोबाइल्स में। लुक्स बहुत अच्छे हैं, मेरे को देखने में बहुत अच्छा लग रहा है फोन, प्रॉमिसिंग है, देखते हैं कैसा होता है। 6000 mAh की बैटरी है, 18W का चार्जर है, इसमें भी अच्छा है, Helio G88 प्रोसेसर, उसका अंतु स्कोर भी बहुत अच्छा आया हुआ है। करते हैं डिस्प्ले की बात, डिस्प्ले 6.5 सेंटीमीटर की फुल HD+ डिस्प्ले, 98 का रिफ्रेश रेट है, अमोलेड डिस्प्ले नहीं है, यही एक वीक पॉइंट है इस फोन का, अदरवाइज सब कुछ काफी अच्छा लगा। चलते हैं अपने अगले फोन की तरफ, तो हमारा इस कैटेगरी में अगला फोन है Redmi Note 10s, 6 GB रैम के साथ आता है, 4 का कोई ऑप्शन नहीं है, 64/128 रोम के ऑप्शन है, MediaTek Helio G95 ट्राइड एंड टेस्टेड गुड प्रोसेसर है, थोड़ी बहुत गेमिंग कर सकता है प्रोसेसर, 64 MP, 64 8 8 2 2 quad कैमरा सेटअप है, 64 and 8 दो ही कैमरे काम के हैं, 2 फालतू कैमरे हैं, 2 MP से कुछ नहीं होता, गजब बेइज्जती है, 13 MP का फ्रंट कैमरा है जो कि पंच होल सेटअप है, बिंदी वाला जो कि सबसे बेस्ट सेटअप है, यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी मिलती है, 33W का चार्जर मिलता है, बहुत अच्छी बात है, बैटरी भी बड़ी है, चार्जर भी काफी फास्ट है, फुल HD+ अमोलेड डिस्प्ले मिलती है, ये इसकी खासियत है कि इसमें अमोलेड डिस्प्ले दिया गया है आपको 1100 nits की पीक ब्राइटनेस के साथ जो कि काफी ब्राइट है। अगला फोन इस कैटेगरी में आता है Samsung Galaxy M21 का 2021 एडिशन और 4 and 6 GB रैम ऑप्शन, 64/128 रोम ऑप्शन के साथ मिलता है आपको, Exynos 9611 ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, जस्ट ओके प्रोसेसर है, यही बॉटलनेक बनता है बाद में, 48, 8 and 5 MP का कैमरा सेटअप है, 3 कैमराज हैं, तीनों काम के हैं, कोई फालतू 2 MP का कैमरा नहीं दिया है, यही इसकी खासियत है, 20 MP का फ्रंट कैमरा का मेगापिक्सल भी अच्छा है, और सैमसंग के कैमराज अच्छे होते हैं, अच्छे सेंसर यूज करते हैं वो, नॉन चाइनीज भी है, 6000 mAh की बैटरी मिलती है, बट चार्जर आपको 15W का मिलता है, तो ये लगाने वाला आपके 2 घंटे, ये इसका नेगेटिव पॉइंट है, प्लस जो प्रोसेसर है 9611 वो बाद में चल के बॉटल नेक बन जाए, मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं, नॉन चाइनीज के साथ अच्छा फोन है। तो करते हैं डिस्प्ले की बात, डिस्प्ले मिलती है आपको सुपर अमोलेड, प्रोटेक्टेड बाय गोर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 भी है, प्रोटेक्शन भी अच्छी है, सुपर अमोलेड मजा आता है वीडियोस देखने में, मीडिया कंज्यूम करने में मजा आ जाएगा आपको नहीं। तो इस कैटेगरी अगला फोन है Samsung Galaxy M32, 4 और 6 GB रैम ऑप्शन, 64/128 रोम ऑप्शन के साथ आता है,
मीडियाटेक हेलियो G80 ऑक्टोकोर प्रोसेसर, अच्छा हुआ एक्सिनोस नहीं दिया, अच्छा प्रोसेसर है। 64822 मेगापिक्सल 4 क्वाड कैमरा सेटअप है, 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, 2x2 मेगापिक्सल फालतू कैमरा, 6000 mAh की बैटरी है, 15W का चार्जर है, 2 घंटे लेगा, यही एक वीक पॉइंट है इस फोन का। तो डिस्प्ले की बात करते हैं, डिस्प्ले मिलती है आपको सुपर अमेलेड इन्फिनिटी यू कट डिस्प्ले फुल HD रेजोल्यूशन के साथ, 90Hz रिफ्रेश रेट भी, मतलब अमोलेड डिस्प्ले भी, 90Hz रिफ्रेश रेट भी, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 भी, डिस्प्ले ऑसम है इस फोन की, द बेस्ट डिस्प्ले अमंग ऑल फोन्स जिसकी अभी तक हमने बात की है। तो ये थे कुछ बेस्ट फोन्स अंडर 15,000। अभी रिसेंटली प्राइस इंक्रीज हुआ है बहुत सारे फोन्स का, तो मैंने उन्हीं फोन्स को रखा जिनका प्राइस मुझे 15,000 के नीचे मिला या थोड़ा बहुत ऊपर मिला, 500 रुपये, उन्हीं फोन्स को मैंने यहाँ लिस्ट किया है। अदरवाइज कुछ बोनस फोन्स हैं जो आपको बताता हूँ, बहुत ही ऑसम फोन्स हैं। सारे फोन्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे एंड पिंड कमेंट में मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। तो बोनस फोन्स की बात करते हैं, पहला फोन है इस कैटेगरी में मोटरोला G40 फ्यूजन। इसमें आपको ऑलमोस्ट स्टॉक एंड्रॉइड मिलता है जो उसकी खासियत है, बाकी सारी क्राइटेरिया पे फुलफिल करता है, पर इसका प्राइस अभी मुझे 15,000 के ऊपर दिख रहा था। डिस्काउंट में अगर आपको 15,000 के नीचे मिलता है, अच्छा फोन है। नेक्स्ट है रियलमी 8। डिस्काउंट में अगर आपको 15,000 के नीचे मिलता है, बहुत अच्छा फोन है। तो ये होते हैं आपके लिए बोनस फोन्स। वीडियो लाइक करिए, मत जाइएगा दोस्तों, आप जब वीडियो लाइक करते हैं उसमें मोटिवेशन मिलता है, मजा आता है इस तरह की वीडियो लाने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय भारत, जय हिंद। We'll be right back.